the bell icon to never miss a video from theory to practical. हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसएससी जेईई नोटिफिकेशन, जिसमें डिटेल नोटिफिकेशन आया है और जो मैंने एसएससी की ही वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को कई डाउट्स रहते हैं, तो उन चीजों को एक एक चीज हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। और आप लोग कॉपी और पेन लेके यहाँ पे बैठ जाइए और जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप लिखते जाइए। और यहाँ पे कुछ डाउट्स भी रहते हैं कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, क्या उनकी क्राइटेरिया रहेगी, और डिफरेंट जो आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन में इसके थ्रू जो आपकी एंट्री होगी तो उसमें डिफरेंट जो एज क्वालिफिकेशन है वो क्या है, कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी कौन कौन सी वैकेंसी है, ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट बने रहिए इस वीडियो में और एक एक चीज को हम बड़ी बारीकी से ध्यान से देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि भाई ये जो वैकेंसी जो है इसको अप्लाई कहाँ से करना है, एसएससी की वेबसाइट से आपको इसको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने की जो डेट है वो आप लिख लीजिए। तो जो इसका अप्लाई करने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है और जैसे इसमें मेंशन है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज 1st Feb to 25th Feb, क्या फर्स्ट फेब से लेके 25th Feb 2019 तक, ठीक है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, आपको 25th February तक इस फॉर्म को फिलअप करना है और सबमिट करना है, और आपको जल्दी से जल्दी ये करना है। लास्ट टाइम में आप मत इसको छोड़िए, जल्दी से जल्दी इसको आप डिसीजन लीजिए। और इसका ध्यान रखना कि लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़ना, ये बात मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ। तो जो भी डाउट्स है इससे रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड जो भी है, आप हमको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। और हमारी एक PDF है हमारी वेबसाइट पे जिसमें SSC JEE से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगी। तो वहां पे जो एक FAQs वाला सेक्शन है, मतलब फ्रीक्वेंसी आस्क क्वेश्चन वाला सेक्शन है, तो आपके डाउट्स जो भी आप YouTube कमेंट करेंगे उसके डाउट और उसके सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल पाएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है आपको कमेंट करना है जो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि भाई ये प्रॉब्लम मुझको वीडियो में आ रही है, मैं फोटो को अपलोड नहीं कर पा रहा, या फिर ये प्रॉब्लम है या फिर वो प्रॉब्लम है, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, ठीक है। और जो आपकी एप्लीकेशन की डेट है वो 1st Feb to 25th Feb 2019 है, ठीक है। अब देखो सेकंड बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है डेट। नॉर्मली डेट इतनी जल्दी हो जाती थी कि भाई जब आपकी नोटिफिकेशन निकली उसके कुछ महीनों बाद ही आपकी एग्जाम हो जाती थी, पर अब की बार इलेक्शन को देखते हुए आई थिंक इन्होंने डेट कहे काफी बढ़ा दी है, ठीक है। तो ये जो इसका जो स्टेज आप जैसे जानते हो कि जो आपका ये पेपर है SSC JEE का, ये दो स्टेजेस में होता है। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव पेपर और दूसरा आपका होता है सब्जेक्टिव पेपर। तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर है पहला, जिसमें आपको ऑप्शन टिक 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 करने हैं, वो है आपका 27th सितंबर, वो है आपका 27th सितंबर को है आपका CBT 1 जिसको हम बोल सकते हैं, और इसमें पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये इसकी डेट है 27 सितंबर, ठीक है। आपके पास में बहुत समय है और इससे पहले आपका RRB JEE मेरे ख्याल से कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे जो बात है कि डेट ऑफ पेपर टू, तो वो है 29 दिसंबर, 29 दिसंबर 2019, ठीक है। ये आपकी किसकी डेट है, CBT 2 मतलब की सब्जेक्टिव कन्वेंशनल पेपर की, ठीक है। ये दो डेट आप लिख लीजिए, एक 27 सितंबर, एक है 29 दिसंबर 2019। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स आपको ये बोलूंगा, यहाँ पे आपकी तैयारी पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा इसको ध्यान समझना। आपको अभी जो कॉन्सेंट्रेट करना रहेगा वो इस प्रकार से कॉन्सेंट्रेट करो कि आपको जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है
उसकी भी तैयारी आपको सबसे साथ में करनी होगी, क्योंकि देखो सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर और 2 महीना लगभग आपको मिल रहा है, लगभग 3 मंथ्स आपको मिल रहा है, ठीक है। और अभी अभी जैसे फरवरी है तो आपके पास में अभी जो है इसमें वो 6-7 महीने का समय आपके पास में है, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो आपको कन्वेंशनल बेस पे लेके भी आपको साथ में करनी होगी, क्योंकि एक जो है बुद्धिमत्ता वाली बात है, एक इंटेलिजेंस वाली बात है कि आपको तैयारी ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों प्रकार से ही आपको यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम की डेट जो है वो काफी पीछे है आपकी बात, ठीक है। और डेट प्रीपोन नहीं हो सकती, पोस्ट पोन नहीं हो सकती, मतलब आगे नहीं खिसक सकती, पीछे ही खिसक सकती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझा इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अच्छा, यहाँ पे जो ब्रांच है वो है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे एसएससी जेई में सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए है, अब कई स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वाले बोलते सर हमारी वैकेंसी इसमें नहीं है, बोले नहीं है इसमें आपके लिए, आपके लिए तो आरआरबी जेई का जो पेपर है ना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी वैसी ज्यादा नहीं आती। तो आप लोग तो आरआरबी जेई का जो हम लोग करवा रहे हैं तैयारी उससे आप कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक और बात, एज लिमिट की मैं आपसे यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। एज लिमिट एज ऑन 1st अगस्त 2019 की यहाँ पे बात कर रखी है। 1st अगस्त 2019 क्या है आपका रेफरेंस लेके आपको चलना है, रेफरेंस कि 1st अगस्त 2019 में आपकी क्या डेट थी, क्या आपकी डेट, जैसे कि आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल वाटर कमीशन, सिविल को मांगा गया है तो अप टू 32 इयर्स इसमें मांगा गया है। कहने का मतलब ये है आपकी एज 32 इयर्स होनी चाहिए है, अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं, 1st अगस्त 2019 को आपकी जो एज होनी चाहिए वो 32 इयर्स तक होनी चाहिए, 32 इयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो एज लिमिट है अलग अलग, पर यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो लिख लो, 1st अगस्त 2019 के रेफरेंस में यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पे देखो जूनियर इंजीनियर सिविल की बात कर रहे हैं या फिर मैकेनिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल वाटर कमीशन में, तो यहाँ पे 32 इयर्स है। वहीं पे आप देखोगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है या उसमें 27 इयर्स है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 30 इयर्स है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 30 इयर्स दे रखी है। फिर देखो फराका बैरेज प्रोजेक्ट में 30 इयर्स दे रखी है। तो अलग अलग है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लिख लो। अब देखो एज रिलैक्सेशन की मैं अगर आपसे बात करूं यहाँ पे, तो देखो पहला पॉइंट अपना क्या था, एग्जाम की डेट क्या है अपनी और ऑनलाइन सबमिशन आपको कब तक करना है, ठीक है। अब बात आ गई थी एज की। अब एज में भी देखो यहाँ पे जो ये हमने जो बात करी थी 32 इयर्स, ये हम बात कर रहे थे अनरिजर्व कैटेगरी की या 30 इयर्स। अब जो है रिलैक्सेशन जो दे रखा है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 5 इयर्स दे रखा है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 इयर्स दे रखा है और पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांग के लिए 10 इयर्स दे रखा है। ऐसे यहाँ पे डिफरेंट ये बने हुए हैं। तो जो आप कैटेगरी जिसको आप बिलोंग करते हो उसको भी आप देख लो कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, योग्य हो या नहीं हो, यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ही मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, बाकी आप सब लोग जो है समझदार हो ही, तो एक आपका रिकैप यहाँ पे हो जाएगा। हाँ ये देखो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टेबल देख लो आप, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे काफी बच्चे काफी चीजें पूछते हैं, डाउट्स पूछते हैं कि सर डिग्री वाले अलाउड है या डिप्लोमा वाले अलाउड है। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपके लिए लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे देखो जूनियर इंजीनियर सिविल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस वाले डिपार्टमेंट में मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट में डिग्री भी मांगी गई है या डिप्लोमा, डिग्री और डिप्लोमा, अगर आप डिग्री है आपके पास में या डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी देखो डिग्री और डिप्लोमा है, यहाँ पे भी डिप्लोमा है, यहाँ पे भी डिप्लोमा है आपके CPWD में, ठीक है। अच्छा, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये चीज उन्होंने बोली है। अब यहाँ पे जो है डाउट आता है, ठीक है, जहां पे डिग्री और डिप्लोमा बोल दिया, जहां पे डिग्री और डिप्लोमा बोल दिया वहां पे तो आपको क्लियर है कि भाई डिग्री वाले भी भर देंगे और डिप्लोमा वाले भी
भर देंगे। पर जहां पे बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर CPWD और जहां पे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा लिखा हुआ है, तब क्या बीटेक वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते, ये जो है यहाँ पे क्लेरिफिकेशन चाहिए होगा। एक्चुअली होता क्या है, आप जो स्टूडेंट है जितने ये समझते हैं कि देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले सेक्टर में डिग्री भी है या डिप्लोमा, मतलब दोनों एलिजिबल कर रखी है, पर जो CPWD में इन्होंने लिखा हुआ है सिर्फ डिप्लोमा लिखा हुआ है, तो मतलब बीटेक वाले अलाउड नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये SSC क्या है, एक सेंट्रल बॉडी है, और जो ऑर्गेनाइजेशन इसको जो चाहते हैं जिसमें जॉब देना जॉब, तो उन लोग क्या करते हैं कि उन लोग अपनी क्वालिफिकेशन भेजते हैं कि भाई हमको ये बंदा ये मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज डिफर हो सकती है कि भाई CPWD बोले भाई हमको तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। अब उनका ये तर्क रहता है कि यार जूनियर इंजीनियर जो बनेगा बंदा वो डिप्लोमा वाला बनेगा, ठीक है, और जो सीनियर इंजीनियर होगा वो अपना बंदा बीटेक वाला बनेगा। तो उनके माइंड में ये रहता है, या फिर एक जो जनरल जो बात होती है वो ये बात होती है कि यार जो बीटेक वाला स्टूडेंट है वो आपका जूनियर इंजीनियर वाला फॉर्म भरेगा ही नहीं, इसलिए वो लिखते भी नहीं है। पर एक्चुअल में जो रियलिटी है वो ये है कि जो SSC JEE का एग्जाम जो होता है इसमें डिग्री वाले स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं और डिप्लोमा वाले उल्टे स्टूडेंट्स कम पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये समझो स्टूडेंट्स, ये जो आप डिफरेंट पोस्ट देख रहे हो तो इसमें कहीं ना कहीं डिग्री और डिप्लोमा भी लिखा है, कहीं भी डिप्लोमा भी लिखा है, कहीं भी बीटेक लिखा है। तो जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है वो तो समझे कि डिप्लोमा हर एक पोस्ट में लिखा ही लिखा है, तो आपके लिए तो एलिजिबल हर चीज है ही। और जो स्टूडेंट बीटेक वाले हैं, जो स्टूडेंट बीटेक वाले हैं, जो डिग्री वाले हैं, वो आप ये समझो कि यार आपको एक कंफ्यूजन है कि यार कहीं डिग्री और डिप्लोमा है, कहीं सिर्फ डिप्लोमा है, तो आप ये समझो कि मे बी SSC बाद में क्लियरिफाई कर दे कि बीटेक वाले भी उसमें जा सकते हैं, डिग्री वाले भी उसमें जा सकते हैं। पर कुछ तो ऐसी वैकेंसी, कुछ तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख रही है ना जहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री और डिप्लोमा, मतलब कुछ चीज के लिए तो आप श्योर है ही ना, तो इसलिए आप उस पर मत पड़िए उस चीज में। आप सिर्फ ये समझिए कि भाई हम भी इस एग्जाम को एलिजिबल है, तो आप इसको जरूर इस फॉर्म को आप भरेंगे, इतना आप समझिए, ज्यादा मत सोचिए, ठीक है। तैयारी अच्छे से कीजिए, और RRB JEE का भी एग्जाम आ रहा है, SSC JEE का भी एग्जाम आ रहा है, जो आप तैयारी करोगे बोथ डिप्लोमा स्टूडेंट और बोथ बीटेक स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, दोनों के लिए यह एग्जाम आपके लिए यूजफुल रहेंगे, और तैयारी मोर और लेस दोनों में ही सेम है, ठीक है। अभी सिलेबस के बारे में भी आपको बताऊंगा, पर मेन बात समझो, जो डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है वो तो 100% श्योर है ही, और जो बीटेक वाले स्टूडेंट है, डिग्री वाले स्टूडेंट है, वो देखो कुछ सीट में तो इसमें मेंशन है ना बीटेक, तो आपको तो फॉर्म भरना ही है और आपको तो मेहनत इसमें करनी है, तो उस पे मत पढ़ो कि यार इसमें डिप्लोमा लिखा है या डिग्री लिखा है, उस पे मत पढ़ो, ठीक है। आपको सिलेक्शन लेना है, मेन बात ये है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आप एग्जाम सभी स्टूडेंट या तो डिप्लोमा किए हैं या डिग्री किए हैं, आपकी ब्रांच सिविल है, इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है, यू आर एलिजिबल फॉर टू गिव दिस टेस्ट, ओके। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको, फीस आप देख ही लोगे स्टूडेंट, यहाँ पे दे रखी है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दे रखे हैं डिफरेंट, वो आप देख ही लोगे। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। इसमें देखो ना तो सिलेबस में कोई चेंज आया है, ना एग्जाम पैटर्न में इनका कुछ चेंज आया है, बस अंतर इतना ही आ गया, अब की बार की जो एग्जाम डेट है वो इन्होंने इलेक्शन के कारण काफी आगे बढ़ा दी। तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जैसे पेपर 1, और ये 23 सितंबर से शुरू होगा, और यहाँ पे देखो रीजनिंग जो है 50 मार्क्स की दे रखी है, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स की दे रखा है, और आपकी जो टेक्निकल फील्ड है मतलब कि सिविल है आपकी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल है, ये आपकी 100 मार्क्स की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही पैटर्न है, और वो आपका जो है 2 आवर्स का जो टाइम है वो भी आपका यहाँ पे सेम ही है। तो जो एग्जाम पैटर्न पहले था, अगर आप वाकिफ हो तो आप जानते ही हो, अदरवाइज जो न्यू स्टूडेंट है वो समझ लें कि 50 स्टूडेंट्स की रीजनिंग आएगी, 50 स्टूडेंट 50 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस आएगी, और 100 मार्क्स की आपकी टेक्निकल आपकी आएगी, मतलब कि पेपर कितना का होगा, टोटल पेपर होगा आपका 200 का, ठीक है, ये बात समझ ली आपने। अब जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसमें आपको लिखना रहेगा, सब्जेक्टिव आंसर रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, और इसकी डेट क्या है, 29 दिसंबर 2019 है, और इसमें ये पेपर रहेगा 300 मार्क्स का, और इसमें भी आवर्स है, 2 आवर्स है, ठीक है, बोथ सिविल
इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो एग्जाम पैटर्न आप सबने समझ लिया, लिखना चाहो तो लिख लो। क्या लिखना है कि भाई पेपर वन है जो 24 सितंबर समथिंग हो रहा है स्टार्ट, 23 सितंबर में स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 50 मार्क्स की रीजनिंग, 50 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस और 100 मार्क्स की आपका टेक्निकल आएगा। और जो पेपर टू है जिसमें आपका कन्वेंशनल है, मतलब रिटन एग्जामिनेशन रहेगा, सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, वो आपको 29 दिसंबर में होगा और ये भी 2 आवर्स का ही होगा और ये 300 क्वेश्चंस का ये होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 300 है इसमें, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे और अब आ जाते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस देखो, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का भी सेम है, अवेयरनेस का भी सेम है, कोई इसमें चेंज नहीं आया है। और मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे टेक्निकल पेपर की, बात कर रहा हूँ सिविल की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, तो जो सिलेबस पहले था वो ही था। और हम ये जो सिलेबस के लिए अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो हमारी जो वेबसाइट है theory2practical.com, इस पे आप जरूर एक बार विजिट करेंगे, तो वहां पे आपको एक RRB SSC JEE नाम से एक आपको मिल जाएगा, क्या एक आपको ब्रीफ केस टाइप का दिखेगा, वहां पे SSC JEE से रिलेटेड या RRB JEE से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन है। और ये नोटिफिकेशन और इसका सिलेबस और जो हमारे डेमो वीडियोस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो स्टूडेंट्स पहले भी तैयारी कर चुके हैं उनके लिए बता दूं कि सिलेबस में ऐसा कोई चेंज इसमें नहीं आया है। और बाकी सिलेबस आपके पास में होनी चाहिए सिलेबस की कॉपी, तो आप वहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं। और ना ही इलेक्ट्रिकल में कोई डिफरेंस आया है, ना ही आपका यहाँ पे कोई डिफरेंस आया है, ठीक है। तो स्टूडेंट मेन इन्फॉर्मेशन यही है। देखो एक तो डेट इम्पोर्टेंट थी, देखो क्या क्या इम्पोर्टेंट है, एक तो डेट्स इम्पोर्टेंट है, जिसमें फॉर्म फिलिंग की सबमिट की जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है, 25 फेब तक आप इसको कर सकते हो, 25 फेब तक आप इसको कर सकते हो, ठीक है। जो CBT 1 होगी स्टेज वन, उसकी एग्जाम आपकी 23 सितंबर में होगी, ठीक है। और आपकी जो कन्वेंशनल पेपर जो होगा पेपर टू, वो आपका कब होगा, वो आपका होगा 29 दिसंबर में होगा, ये इम्पोर्टेंट थी। एज जो ली गई है वो 1 अगस्त 2019 के रेफरेंस में ली गई है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग है, किसी में ये 30 ईयर्स है, किसी में ये 32 है, किसी में ये 27 है मैक्सिमम एज। और जो एज रिलैक्सेशन होता है SC ST OBC डिफरेंट कैटेगरीज का, वो भी वहाँ पे मेंशन है, वो चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। बात है सिलेबस की, तो सिलेबस आप हमारी जो PDF है वहाँ से आप प्रिंट आउट ले लेना, और एक पन्ने में पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, या फिर इस नोटिफिकेशन का भी PDF का लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से आप ले लेना। और सिलेबस की बात हो गई और एग्जाम पैटर्न की बात हो गई, तो एग्जाम पैटर्न भी आपको मैंने समझा दिया है, जैसे पहले था वैसे ही है, कोई इसमें चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये इसकी एक ब्रीफ समरी है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो थ्योरी टू प्रैक्टिकल तैयारी जो आप कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि थ्योरी टू प्रैक्टिकल जो है कोर्स जो है SSC JEE का, RRB JEE का बहुत अच्छे से एक एक चीज़ करवा रही है। तो आप सिंसियर स्टूडेंट है और आप एक एक चीज़ को करना चाहते हो, एक चैप्टर को ढंग से अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो एक एक चीज़ के हमारे पास में वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। तो रादर देन कि आप एक एक वीडियो आप फ्री में और इधर उधर आप जा रहे हो, परेशान हो रहे हो और आपको कंप्लीट भी नहीं मिल पा रहा है, तो उससे अच्छा आप एक पेड कोर्स लेके आप अपने घर पे बैठ के या फिर अपने ऑफिस में कहीं भी आपको टाइम मिल रहा है, तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन SSC JEE और RRB JEE की अपने मोबाइल अपने लैपटॉप से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। जिसमें हमारे जो डेमो वीडियोज है आप एक बार देख लीजिए, आपकी फ्रिक्वेंसी सिंक्रोनाइज हो रही है, उससे आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी से आप इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। आपको करना क्या रहेगा, आपको हमारी वेबसाइट एक बार विजिट कर लीजिए theory2practical.com, ठीक है, इसको आप विजिट कर लीजिए। और ये हमारा मोबाइल नंबर है 800-337-8523, इस पे आपको, और हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए
प्रैक्टिकल एट द रेट gmail.com। ठीक है, आप क्या करना है, आपको आपका नाम, एग्जाम, सिटी और ब्रांच, ये आप या तो हमको फोन कर दें या व्हाट्सएप कर दें या आप हमको ईमेल कर दें। क्या, जैसे आपका नाम है, आपका नाम है राजेंद्र, आपका एग्जाम है एसएससी जेई या आरआरबी जेई, आपकी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल और आप है अलवर के, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप या तो व्हाट्सएप कर दें या आप हमको ईमेल कर दें, तो जो इसका कोर्स है, डेमो वीडियोस है, कुछ नोट्स है, वो हम आपको प्रोवाइड यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो कोर्स करवा रहे हैं वो है, एक तो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, एक है सिविल ब्रांच का और एक है मैकेनिकल ब्रांच का। और हमारा जो ये कोर्स है एसएससी जेई के हिसाब से 100% रेडी है, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सारी बात समझ में आ गई। अरे यहाँ पे एक और मैं अनाउंसमेंट जो करने जा रहा हूँ थ्योरी प्रैक्टिकल की तरफ से, वो ये कि हम लोगों का जो कोर्स है उसमें हम लोग हिंदी यूज़ कर रहे हैं, मतलब एज अ कन्वर्सेशन लैंग्वेज, और जो टेक्निकल टर्म्स है हमारी वो हिंदी और इंग्लिश, और जनरली इंग्लिश में तो वो है ही। ठीक है, तो डेमो वीडियोस हैं उससे आप देख के समझ सकते हो कि भाई जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं और महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट हैं वो तो समझ में हमारे वीडियो लेक्चर इजीली कर पा रहे हैं, या बंगाल के स्टूडेंट्स हैं। कुछ साउथ इंडिया के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, साउथ इंडिया के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि आपके तमिलनाडु के स्टूडेंट हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो है कर्नाटक के हैं, और कुछ स्टूडेंट हमारे जो है केरला के हैं, और कुछ स्टूडेंट हमारे आंध्र प्रदेश तेलंगाना के हैं, तो वो स्टूडेंट क्या है, इन वीडियो लेक्चर में जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी जिसमें हम बात कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ पाते, और इसलिए वो क्या है कि इन वीडियो से बेनिफिट नहीं ले पाते। तो इसलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश में भी इन वीडियो लेक्चर्स को बनाएं। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम है या फिर इंग्लिश में आप वीडियो लेक्चर चाहते हैं प्योर इंग्लिश में, तो जरूर आप कमेंट करें कि आई वॉन्ट कोर्स इन इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो कोर्स इंग्लिश में तो है, प्योर इंग्लिश मतलब प्योर इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश चाहिए, तो एक बार आप जरूर हमको व्हाट्सअप करें या फिर हमको कमेंट में करें। और अगर आपके व्यूज, कमेंट्स, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है इसकी, तो हम जरूर इंग्लिश में भी इन वीडियो लेक्चर्स को बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने सारी बात करी है एसएससी जेई के एग्जाम के बारे में। अब मैं फाइनल बात आपसे ये कहूँगा स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। वही देखो, ऑल द बेस्ट, और कहूंगा एक्शन प्लान आप बनाएं, स्टडी प्लान बनाएं, कौन से वीक टॉपिक है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज को अभी से आप बनाना शुरू कीजिए, आप पढ़ना शुरू करिए। 2019 जो है, मतलब ये साल जो टेक्निकल स्टूडेंट्स है उनकी काफी वैकेंसी यहाँ पे निकली। सबसे बड़ी जो वैकेंसी है आरआरबी की तो निकली ही निकली है, अभी एसएससी जेई की भी आ गई है, और कई स्टेट्स की भी यहाँ पे अभी वैकेंसीज जो है आने वाली है। तो देखो स्टूडेंट्स, सिलेबस आपका सेम ही है लगभग सभी एग्जाम के लिए, तो अगर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करोगे तो आपको सभी एग्जाम में इसका एडवांटेज मिलेगा। तो मेन बात है आपकी पढ़ाई को आपको कैसे इम्प्रूव करना है, वो चीज आपको समझनी है। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मेन बात यह है टाइम टेबल बना के, एक अच्छे स्टडी मटेरियल से और एक कमिटेड होके चीजों को पढ़ना, और पढ़ाई करते हुए कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखना। कई स्टूडेंट्स जो है सिंपल एक ऐसी बुक ले आते हैं और उसमें क्वेश्चंस को रटते रहते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर, इस प्रकार से आप कुछ मार्क्स तो ले पाओगे पर टेक्निकल एग्जाम कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। टेक्निकल एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, तो कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप 100 क्वेश्चन आप बना पाओगे उससे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उन 100 क्वेश्चन को रटते रटते
आप परेशान हो जाओगे और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो एक तो मेरी बात यह कि टेक्निकल के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके चलो। दूसरी बात मैं कहूंगा कि नॉन टेक और टेक, टेक बहुत इंपॉर्टेंट है माना, पर नॉन टेक भी साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कई स्टूडेंट रीजनिंग में तो अच्छा कर देते हैं पर जनरल अवेयरनेस में आलस्य कर जाते हैं। जनरल अवेयरनेस भी हम लोग करा रहे हैं अच्छे से, रीजनिंग भी हम लोग करा रहे हैं अच्छे से आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू। तो जो भी आपकी फिजिक्स पूछी जा रही है, जो भी आपकी केमिस्ट्री पूछी जा रही है, जो भी आपकी बायो पूछी जा रही है, या फिर आपकी इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है, या फिर आपकी पॉलिटी पूछी जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है, या हिस्ट्री पूछी जा रही है, एक एक टॉपिक आपको मेहनत करके एक चीज को सॉलिड करना है। क्योंकि जो मार्क्स यहाँ से आप बटोरोगे, मतलब कि आपके नॉन टेक पार्ट से, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स का जो अधिकतर ध्यान जो है टेक में जाता है, रीजनिंग को वो कुछ नहीं समझते, भाई रीजनिंग तो हो जाएगा, चलो बात समझ में आ रही है, पर उनका ध्यान जो है नॉन टेक में जनरल अवेयरनेस में नहीं रहता। और जनरल अवेयरनेस ही कई बार क्या बनाती है, रैंक बनाती है। इसलिए और नॉन टेक में और जनरल अवेयरनेस में और टेक्निकल में देखो एक चीज कि टेक्निकल में जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे कम मेहनत आपको जनरल अवेयरनेस में करनी पड़ती है, पर तब भी कई स्टूडेंट उसको छोड़ के आते हैं, बोलते हैं कि हम तो टेक 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 पढ़ेंगे। ऐसे माइंडसेट से लोगे तो आपकी प्रिपरेशन बैलेंस नहीं हो पाएगी। आपकी प्रिपरेशन बैलेंस तभी होगी जब आप एक एक मार्क्स के लिए लाई करोगे, एक एक मार्क्स आपको लेके आना है। ऐसे नहीं कि मुझे टैग टैग पे ही फोकस होना है। ये गलती हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और मैं उनको यही समझाता हूँ, आपको जो है पूरी बैलेंस वे में प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टैग टैग में लगे रहो और नॉन टैग में जो जनरल अवेयरनेस वाला टॉपिक है उसको छोड़ दो, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। और एक स्टडी प्लान जरूर बनाना है, कॉन्सेप्ट्स पे आपको जरूर ध्यान देना है। और वैकेंसीज बहुत ज्यादा इस ईयर में आप लोगों के लिए है, और खासकर आरआरबी जेई की वैकेंसी, मतलब आपको तो अब लगी ही जाना है अच्छे से स्टडी प्लान एक बढ़िया बना के और उसको स्टिक करके एक अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ में। और मैं रिकमेंड करूंगा थ्योरी टू प्रैक्टिकल का जो कोर्स रेडी है, कम्प्लीट है, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, सिविल हो, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो, अभी से नोट्स बना सकते हो और एग्जाम में आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जरूर हमको अपना डिटेल्स आप जरूर भेजिए, एक पीडीएफ हम आपको जरूर मिलेगी, और वेबसाइट भी आप जा सकते हैं theory2practical.com, और हमारा नंबर है 8003378523। फिर से रिपीट कर रहा हूँ 8003378523, और ईमेल आईडी है theory2practical@gmail.com। और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं, खासकर सदर्न स्टेट्स के हैं, और जो इंग्लिश में वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं, जरूर आप हमको बताएं। अगर आप लोग जो है नंबर्स में ज्यादा होंगे, अगर आप कोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो हम डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम में भी इस कोर्स को हम लोग लॉन्च करेंगे। फिलहाल हमारे पास में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की 250 फैकल्टी के साथ में एक एक चीज पूरी कंप्लीट रेडी है, विद थ्योरी एंड विद क्वेश्चन, ठीक है, और विद टेस्ट सीरीज, मतलब कंप्लीट प्रिपरेशन थ्योरी टू प्रैक्टिकल आपको इस एग्जाम की करा है। तो स्टूडेंट्स अगेन ऑल द बेस्ट, और एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेना, बहुत ही ढंग से पढ़ना और एग्जाम को आप क्रैक करना, ये बात इंपॉर्टेंट जो भी है मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। और आप फॉर्म फिल करना प्रोसेस जो है आप स्टार्ट करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और पसंद आएगा, पसंद तो आएगा रहेगा आपको, जरूर इसको आप लाइक करना, जरूर लाइक अभी दबा दीजिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स चलता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चंस, और भी डेमो वीडियोस, और भी आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, और थ्योरी टू प्रैक्टिकल आप लोगों के साथ में है ही, तो अच्छे से तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स। और एक सुनहरा मौका आपके पास में, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास में है, तो जरूर उसको आप अवेल कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।